सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले तो अमित भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। अपने इस वैल्यूबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आप आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं भाई, सबसे पहले व्यूवर्स को आप अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब आप आपने कहाँ से एजुकेशन ली और आप मतलब सेल तक कैसे पहुंचे? अच्छा, एक्चुअली मैंने अपनी 12th तक तो मेरे होम टाउन में ही एजुकेशन ली, कोई ज्यादा बड़े स्कूल में नहीं ली, हमारे वहाँ के जो लोकल स्कूल था वहीं से। और उसके बाद एक साल मैंने कोटा रेजुनेंस से कोचिंग की है जेई की, उसके बाद मैंने IIT BHU से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है, और अच्छा, कैंपस ओके। प्लेसमेंट से सेल में मेरी ज्वाइनिंग हुई। हाँ तो भाई आपने मतलब अभी 2020 में कंप्लीट किया है, मतलब रिसेंटली। हाँ मतलब एक साल अगर इसको हटा दे कोविड वाले एक साल को, तो मैंने 2020 में ही किया अब जैसे ही मतलब आपको ऑफर लेटर मिला सेल से, तो उसके बाद है। फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैसा था? एक्चुअली हमारा जो प्रोसेस था पूरा सेल का हमारे टाइम पे, वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था ड्यू टू कोविड। तो हमारा प्लेसमेंट हुआ था जनवरी 2020, और 5 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था, और उसके बाद उसी शाम को रिजल्ट आ गया था उनका ना। अनऑफिशियली उन्होंने बता दिया था कि ये इन इन लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है, और उसके बाद फिर अगले महीने उनका एक्सेप्टेंस लेटर हमने साइन किया था कि मतलब वी एक्सेप्ट दिस जॉब। और उसके बाद फिर उन्होंने उनका हमारे जो IIT के पोर्टल, हमारे जो इंस्टीट्यूट के पोर्टल था, उस पर उन्होंने हमें ऑफिशियली उन्होंने अलॉट किए थे कौन किसको कौन से प्लांट में जाना है। ठीक है, तो मुझे ब्लाई स्टील प्लांट मिला था, मेरे दो दोस्तों को राउरकेला प्लांट में मिला था, और उसके बाद उनका जो लेटर होता है अपॉइंटमेंट लेटर, वो आया था मार्च में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बीच में एक बार कांटेक्ट और किया था, ये मेरी ग्रेड शीट वगैरह और सब कुछ डलवा ऑनलाइन सबमिट कर दी थी हमने। उसके बाद उन्होंने कॉन्टेक्ट नहीं किया बहुत दिन तक, क्योंकि कोविड था इसलिए सब कुछ बंद था, सब कुछ नए रिक्रूटमेंट रोक दिए थे, इसलिए उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया था तब तक। फिर हमें अक्टूबर में कॉल आती है सेल की तरफ से, जिसमें वो बताते हैं कि अगले हफ्ते आपकी ज्वाइनिंग है। मतलब ऑल ऑफ सडन उन्होंने बुला लिया हमें, एक ओके हफ्ते के अंदर ओके अंदर उन्होंने सारा जो बचा हुआ था प्रोसेस वो पूरा किया, और 2 नवंबर को हम यहाँ पर आ गए थे, 2 नवंबर को हमारी ज्वाइनिंग थी। तो अक्टूबर एंड में हमें कॉल आया था, फिर उसके बाद जो वो लेटर होता है ज्वाइनिंग लेटर और सारी फॉर्मेलिटीज सब कुछ आ गया था, तो विद इन ए वीक हमने सब कुछ फिल करके फिर हम यहाँ पर 2 नवंबर को आ गए थे, 2 नवंबर अच्छा को फिर अच्छा हमारी ओके। ज्वाइनिंग तो हो गई थी। हाँ फिर वो उसका प्रोसेस कुछ लंबा होता है क्या? मतलब जैसे 2 नंबर को आप आए, फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग वगैरह उस? एक्चुअली 2 नवंबर को आए थे, तो उसके बाद एक दो दिन तो हम वहीं रहे थे, तो उन्होंने बताया, एक दिन के बाद उन्होंने बताया कि 4 नवंबर से आपका मेडिकल होगा। सबसे पहले मेडिकल होता है उसमें, ठीक है, मेडिकल में आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, जो यहाँ सेल के जो हॉस्पिटल है उनमें 3 केस होते हैं। एक तो आप बिल्कुल फिट हैं, एक आप टेम्परेरीली अनफिट हो सकते हैं, आप परमानेंट अनफिट हो सकते हैं। अब टेम्परेरी अनफिट हो, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, अभी कोई बड़ी इशू है नहीं, ना आपको पता है, डॉक्टर्स ने बताया आपको कि ऐसी ये कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर जो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जैसे मेरे एक कलीग हैं, उनके गोल ब्लेडर में कुछ इश्यू था, तो उनको 6 मंथ का टाइम दिया था, 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया था कि आप 6 महीने के अंदर जाके इस प्रॉब्लम को सोल्व करके, क्योंकि गोल ब्लेडर वेस्टिजल ऑर्गन है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, तो उसको उन्होंने बाहर निकलवा के वो आ गया था वापस, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो वो टेम्परेरी अनफिट हो गए, ठीक है, एक परमानेंट अनफिट है, इसका मतलब ये है कि आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको मतलब आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी सिंपली। तो वो बहुत कम केसेस में होते हैं, उसके लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे लाइट ही होते हैं इनका जो टेस्ट मेडिकल चेकअप होते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं होते। तो भाई इसमें मतलब अभी इसमें ट्रेनिंग पीरियड में होता क्या है कि आपको कुछ क्लासरूम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या मतलब कैसा होता है? ट्रेनिंग पीरियड का एक स्केड्यूल है जो इनका पहले से बना हुआ है, कि सबसे पहले आपको सारे डिपार्टमेंट्स से फेमिलराइज करवाएंगे, हर डिपार्टमेंट दिखाएंगे आपको,
नॉन वर्क्स, फिर वर्क्स, वर्क्स मतलब प्लांट के अंदर के, नॉन वर्क्स मतलब प्लांट के बाहर, प्लांट के बाहर जो भी एचआरडी हुआ, बीएमडी, बहुत बहुत चीजें हैं जो प्लांट के बाहर हैं, वो सब दिखाएंगे इनका, जैसे लॉ डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना, आईटी डिपार्टमेंट, ये नॉन वर्क्स में आते हैं। तो ये इन सबसे पहले फैमिलाइज करवाते हैं, फिर प्लांट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा है, इंटीग्रेटेड प्लांट है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स है, तो उनके भी डेट डिसाइड रहते हैं वहां, सब उनका प्रोसेस बता दिया जाएगा, उनका ओवरव्यू दिया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट का। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के बाद आपको एक डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है आपका। हाँ, और फिर जो ट्रेनिंग चलती है, फिर आपके डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग चलती है फिर आप। तो भाई मतलब ये जो आपने बताया कि ट्रेनिंग होती है, उसके बाद डिपार्टमेंट का एलोकेशन होता है, ठीक है। तो जैसे अभी मान लो मैकेनिकल ब्रांच का बंदा है वो, तो उसका उसको कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलेगी? एक्चुअली मैकेनिकल को मोस्टली मैकेनिकल में पोस्टिंग दी जाती है, बट क्योंकि मैकेनिकल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग हर जगह होती है, ठीक है, प्लांट में, हर एक प्लांट का हर एक मिल है, या हर एक प्लांट का कोई भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में मैकेनिकल या मेंटेनेंस की जरूरत होती है, क्योंकि मशीन और इक्विपमेंट्स जगह जगह प्रॉब्लम आती रहती है, तो मैकेनिकल की जरूरत हर एक डिपार्टमेंट में है। बट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस जो डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर या हर एक मिल या प्लांट के अंदर तीन डिपार्टमेंट होते हैं, ऑपरेशंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मेजरली। तो ऑपरेशंस में आप किसी भी इंजीनियर को डाल सकते हैं। ऑपरेशंस का मतलब ये कि जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, जो भी उसका प्रोसीजर है, जैसे सपोज कोई कोक ओवन है, यहाँ पर कोक ओवन नाम का डिपार्टमेंट है जहाँ आप कोल से कोक बनाते हैं, तो आपको कोल से कोक बनाना है, वो जो प्रोसेस है वो देखना है। तो आप चाहे आप मेटलर्जी में हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, आप इंजीनियर हो, आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेशंस में आपको आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ब्रांच आपको ऑपरेशंस में डाला जा सकता है। बाकी अगर आप मैकेनिकल से हो तो मेजरली मैकेनिकल में ही जाने की प्रोबेबिलिटी है, ऑपरेशंस में भी जा सकते हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए तो मैकेनिकल को जनरली मेंटेनेंस में ही भेजा जाता है। हाँ, मेंटेनेंस में। और जैसे अभी मेंटेनेंस का जो प्रोफाइल है, उसमें जनरली क्या करना होता है उन्हें? एक्चुअली ये होता है कि सबसे पहले ऑपरेशन वाले, अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्लांट में, तो सबसे पहले ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम होता है उसको ऑब्जर्व करना, और ये डिसाइड करना कि प्रॉब्लम मैकेनिकल की है या इलेक्ट्रिकल की है या रिफ्रैक्टरी की है, मतलब सेरामिक इंजीनियरिंग की। तो अगर वो प्रॉब्लम मैकेनिकल की है तो मैकेनिकल वालों को कॉल करेंगे, मैकेनिकल को आके फिर उसको ठीक करना है। तो मैकेनिकल का काम वही है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैकेनिकल प्रॉब्लम आती है अगर कोई इक्विपमेंट में, तो उसको उसका मेंटेनेंस करना, और सिमिलर काम इलेक्ट्रिकल का है। और भाई वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज के बारे में कुछ बताइए जरा। एक्चुअली अगर आप जब शिफ्ट में काम कर रहे हो तो वर्किंग आवर्स वही है, फिक्स है 8 आवर्स, उसके ऊपर आपको काम नहीं करना है। और वर्किंग डेज, अच्छा, अगर आप शिफ्ट में काम कर रहे हो तो जरूर नहीं आपको संडे ऑफ मिलेगा, आपको मतलब वीक में कोई भी डे जो आपका बॉस डिसाइड करेगा आपके लिए, आपको वीक में एक दिन ऑफ मिलता है, और 8 घंटे काम डेली, और हर शिफ्ट आपकी एक हफ्ते बाद चेंज होती रहती है। तो मतलब मैकेनिकल वाले को अगर देखा जाए तो जनरली उनको शिफ्ट ही मिलता है, मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून और इवनिंग वाली। ओके, और हर एक शिफ्ट कितने आवर्स का होता है? ऑलमोस्ट सबको शिफ्ट में ही काम करना पड़ता है स्टार्टिंग में, बाकी बाद में बहुत साल बाद जनरल मैनेजर लेवल पे जब हम बन जाते हैं, प्रमोशन हो गए, उसके बाद जनरल शिफ्ट मिलती है। लगभग हर डिपार्टमेंट में शिफ्ट में काम करना पड़ता है, कुछ एक डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें नहीं करना पड़ता। हाँ, क्या क्या कह रहे थे आप? ओके, नहीं वही मैं वर्किंग टाइम के बारे में पूछा था, जैसे हर एक शिफ्ट जो है वो कितने घंटे का होता है? हर शिफ्ट 8 घंटे का होता है, पहली शिफ्ट होती है 6 से 2, फिर 2 से 10, फिर 2 से 10, हाँ, फिर 2 से 10, और फिर 10 से जो बचती है 6। और हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो पीएसयूज है, ये फेमस होता है इसे पक्स और अलाउंसेस और फैसिलिटीज के ऊपर, तो सेल मतलब क्या क्या फैसिलिटी और पर्क्स वगैरह क्या क्या प्रोवाइड करता है? देखो, सेल की मेजरली जो मतलब सबसे ज्यादा जो अच्छे पर्क्स मुझे लगे, जो फैसिलिटी लगी, वो उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी,
कि आप और आपके डिपेंडेंट्स को जितना भी उनके ऊपर मेडिकल खर्च आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, सपोज मेडिकल इशू आ गया कोई, तो उसका जितना भी खर्च आपके पास आपको करना पड़ रहा है, वो सारा सेल कर रही है, वो सारा सेल करेगी। सपोज अच्छा, सेल के रूल्स हैं कि आपको अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना तो पहले सेल के हॉस्पिटल से करवाएंगे आप, और अगर ये यहाँ पर वो फैसिलिटीज नहीं होंगी जो आपके ट्रीटमेंट में जरूरत है, तो ये लोग रिकमेंड करेंगे जो इनके टाई अप्स हैं और अच्छे अच्छे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे, तो वहां जाने का, वहां रहने का और वहां से वापस आने का, आपके ट्रीटमेंट का जितना भी आपका खर्चा आएगा वो सब सेल पे करती है। तो मेडिक्लेम जो फैसिलिटी है इसकी, वो सब मतलब बेस्ट है, वो इसकी बेस्ट है। उसके बाद फिर ये आपको अच्छे, इनके जो क्वार्टर होते हैं वो भी बहुत सही है, इनकी टाउनशिप भिलाई स्पेशली सेल की हर जगह की टाउनशिप बहुत अच्छी है, सिमिलर सी टाउनशिप है हर जगह, हर प्लांट में, राउरकेला में चले जाओ आप, चाहे भिलाई में चले जाओ, तो टाउनशिप भी इनकी बहुत काम है और बहुत ही मतलब अच्छे घर घर हैं, तो वो भी आपको मिलते हैं। और मतलब एक 20-23 साल के अगर आप हो और आपको एक अच्छा सा घर मिल रहा है, इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या ही है, एक घर बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है ना। तो सेल आपको एक अच्छा घर देती है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज देती है, आपको और आपके डिपेंडेंट्स को, और भी बहुत इसके अलाउंसेस मिलते रहते हैं, जैसे फोन के अलाउंसेस, ब्रीफकेस के अलाउंसेस, आप ट्राउजर वगैरह खरीद रहे हो उनके, पेट्रोल वगैरह जो आपको टैक्स में रिबेट वगैरह मिलते रहते हैं, है ना। फिर कुछ टाइम के बाद आपको कार अलाउंसेज मिलते हैं, बाकी ये बहुत छोटे छोटे अलाउंसेज तो आपको टाइम के साथ पता चलता रहता है। मेजरली आपको मेडिकल जो फैसिलिटी है वो मुझे बेस्ट लगती है इसकी। काफी अच्छा, वैसे मेडिकल फैसिलिटीज अगर अनलिमिटेड है तो वो काफी अच्छा है। हाँ, क्योंकि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही उसको कवर करता है, जैसे 5 लाख का, 10 लाख का, है ना। उसके बाद जो अगर आपका ट्रीटमेंट होता है आपको कुछ खुद को जेब से पे करना पड़ेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका जिस 7 लाख का खर्चा आ रहा हो, जिस 17 लाख का, ये लोग पे करते हैं, सेल पे करते हैं। बहुत अच्छा है बोलेंगे तो। और भाई इसके अलावा फर्दर स्टडीज के लिए सेल में कोई प्रोविजन है? जैसा कि हमें बताया गया है कि सेल भी करवाती है स्टडीज, सेल के थ्रू भी कुछ लोगों ने एमटेक या पीएचडी कर रहे हैं कुछ लोग, तो सेल के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है क्या, मतलब 3 साल के बाद ही कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, 5 साल के बाद कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं इनके जो एमटेक पीएचडी के जो प्रोग्राम है उनको। अब भाई हम लोग बात करेंगे सैलरी इसकी, ठीक है, मतलब कितना सैलरी मिलता है, ग्रॉस नेट सैलरी? तो मतलब अभी तो इनका जो सीटीसी है वो 9 लाख है, ठीक है, 9 लाख पर एनम मतलब, और अल्टीमेटली आपको ग्रॉस पे मिलता है 63,000, और इन हैंड आप हमारे जो अकाउंट में अभी आ रहे हैं वो 55,000 के करीब आ रहे हैं, और अभी ट्रेनिंग पीरियड में, उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर आपका बढ़ जाता है, नेक्स्ट ईयर आपकी पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है और आपका पे भी बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट ईयर अबाउट 10 to 12,000 वैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली 7th पे कमीशन लगने वाले हैं, तो उससे पे बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब काफी अच्छा हो जाएगा, काफी हाइक हो जाएगा सैलरी में, तो सैलरी इसकी काफी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो जैसे अभी आपको मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल पे 63 अगर मिल रहा है तो वो 7th पे के बाद कितना हो जाएगा? 7th पे के बाद करीब 80,000 के करीब इन हैंड मुझे ऐसा लग रहा है 7th पे के बाद मिल जाना चाहिए, 80,000 करीब इन हैंड मिलेगा इस साल, सॉरी अगले साल 80 to 85,000 इन हैंड अगले साल मिलेगा, इस साल इन हैंड। अब ग्रोस पे हमारे 63,000 है, इन हैंड हमारे 55 कुछ है, तो इस बार 65 to 70,000 हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा हो जाएगा फिर तो, काफी अच्छा हो जाएगा। हाँ, काफी सही है, बाकी इतने खर्चे हैं नहीं यहाँ पर। और भाई ट्रांसफर और पोस्टिंग के बारे में कुछ बताइए जरा। पोस्टिंग तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर यहाँ ये है कि अगर आपको पहले से ही डिसाइड हो गया कि आपको भिलाई स्टील प्लांट मिलेगा या दुर्गापुर प्लांट मिलेगा, तो उसी प्लांट में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, उसी प्लांट में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होगी। अब मैकेनिकल को भी बहुत जगह डाल सकते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्लांट है, तो इसमें बहुत से छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो मैकेनिकल को कहीं भी डाल सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल को ऑपरेशंस में, मतलब ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को कहीं भी डाल सकते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट मतलब जगह जगह है, एक जगह नहीं है। तो पोस्टिंग की बात ये है, और बात जहां तक
ट्रांसफर किए, तो ट्रांसफर इतने जल्दी नहीं होते हैं यहाँ पर। मतलब अगर आप कहीं पोस्टेड हो गए, कहीं आपकी पोस्टिंग कहीं होगी, तो आपको वहीं रहना पड़ेगा मतलब बहुत टाइम तक। एक इनका फंडा होता है म्यूचुअल ट्रांसफर का, कि अगर आपको सपोज राउरकेला जाना है, राउरकेला के किसी बंदे को आप यहाँ पर आने मिलाएंगे, तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा ओके ट्रांसफर ओके इतना आसान नहीं है यहाँ पर, ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल है। इंट्रा डिपार्टमेंट ट्रांसफर होते हैं, कि एक डिपार्टमेंट के एक जगह से लेके आपको दूसरी जगह प्लेस कर दिया, वो भी आपके प्रमोशन के टाइम पे करते हैं। चार, इनका प्रमोशन पीरियड भी फिक्स रहता है, 4 साल में, उसके बाद 3 साल में। तो प्रमोशन से पहले डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, इंट्रा डिपार्टमेंट। ओके ओके नहीं, ये काफी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर मान लो 2 साल 3 साल में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम होती है, रिलोकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, आई वो भी थिंक है। इट इज द बेस्ट पॉइंट कि अगर एक ही जगह आपको काफी लंबे समय तक रुकना है तो। हाँ, वही है कि अगर आप एक जगह काम करने लग गए, तो उसके एनवायरनमेंट में आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, और फिर आपको 2-3 साल के बाद जब आप वहां पर अच्छे से सेटल हो जाते हैं, फिर आपको कहीं और भेजा जा रहा है, वहां का एटमोसफियर अलग है, वहां की हवा पानी सब अलग है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है हमें, कि हम बस एक जगह हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सर्व कर रहे होते हैं, और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाते हैं, वो दैट्स नॉट ए बिग डील। वो तो मतलब वो कोई इशू नहीं है उसमें, कर सकते हैं। जब एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सिमिलर सा काम कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर भी कर सकते हैं। तो हमने काफी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ आप जो बोलते नहीं है सीक्रेट पॉइंट, की पॉइंट सेल के बारे में, वो कुछ आप बताना चाहेंगे? सीक्रेट पॉइंट यही है कि अगर आपको एक मतलब काम लाइफ चाहिए, ना कुछ ज्यादा टेंशन लेनी है, पीसफुल लाइफ चाहिए, जिसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहे, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओ, और मतलब एक सही रेप्यूटेड लाइफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग होती है, आपकी जो प्रोफाइल होती है, वो मैनेजर की होती है, तो आपके अंडर ऑलरेडी बहुत लोग हो चुके होते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आपको, है ना। तो ये सब कुछ अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मतलब एक कोई भी पीएसयू, सेल नहीं, सेल इंडियन ऑयल, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उससे आपकी लाइफ बहुत पीसफुल रहेगी, ना ज्यादा टेंशन रहेगी। जितनी देर आपको काम करना उतनी देर ही काम कर, जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उतनी देर ही काम करना होता है, उसके बाद आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हो। और ये बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें ये चीज नहीं मिलती है देखने को ना, वहां आपको घर पे जाके भी काम करना होता है, मतलब मोर देन वर्किंग आवर्स काम करना होता है आपको वहाँ। और बस यही है सीक्रेट। सीक्रेट तो क्या है, मतलब कि पीसफुल लाइफ के लिए पीएसयू इज द बेस्ट ऑप्शन, तो वही है। नहीं, इसीलिए ना, इसीलिए लोग पीएसयू प्रिफर करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ही पीएसयू जाना जाता है। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है भाई, और फिर लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे भाई, जो भी एस्पिरेंट्स है जो अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन्हें? तो एस्पिरेंट्स को मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है सेल के इंटरव्यू में, जो आपके जीडी ग्रुप टास्क और डिस्कशन होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कि आपने जो बात बोली है, आपको जो बात आपके मुंह से निकल गई, उस पे जो कॉन्फिडेंट आपको रहना ही है, उस पे स्टिक करके रखना है अपने आप को, कि हाँ अगर मैंने ये बोल दिया तो ये सही है। आपके ओपिनियन से आपको डेविएट नहीं होना है, और कन्विंसिंग स्किल्स आपकी अपनी इम्प्रूव करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, तो आप अभी तैयारी कर सकते हो अपने ग्रुप के साथ बैठ के, और कोई भी टॉपिक लेके आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो। तो मेनली बस यही है, और बाकी ऑल द बेस्ट। टेक्निकली तो इनको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब गेट क्वालिफाइड है, तो टेक्निकली सब स्ट्रॉन्ग है। तो मेनली बस ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क की बात है, बाकी कॉन्फिडेंस तो है ही, एक की तो है ही कॉन्फिडेंस हर इंटरव्यू की, हर ग्रुप डिस्कशन की। सही बताया भाई आपने, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। हाँ, कॉन्फिडेंस वही है, कह तो सकते हैं चाहिए ही, हर एक इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि कॉन्फिडेंस से आप आधा जीडी क्रॉस कर लेते हो, जीडी और ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन है, वो आधा तो आपका कवर हो जाता है, कि आपको अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आधा फिर आपकी स्पीकिंग स्किल्स और कन्विंसिंग स्किल्स पे बात रहती है सही बस। बात बताई आपने। तो भाई ओवरऑल सारी चीजें आपने कवर कर ली है, और हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर एस्पिरेंट्स को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, अमित भाई या मुझसे, जो भी क्वेश्चन अगर मुझसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो अमित भाई
जरूर उसकी रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और... मैं चेक कर लूंगा टाइम टू टाइम कमेंट सेक्शन, अगर कोई कमेंट आया मेरे लाइक तो मैं बता पाऊँ तो मैं जरूर बताऊंगा। सो भाई अब इस वीडियो को अब यही हम फिनिश करते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये वीडियो आगे चल के काफी एस्पिरेंट्स की हेल्प करने वाला है। बाय भाई, टेक केयर। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द सेल एस्पिरेंट्स। ठीक है भाई, थैंक यू।